दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार एक ऐसा स्थान है जहां लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। यह एक बहुत ही रोमांचक और जटिल दुनिया है जहां हर पल कुछ नया होता रहता है। यह एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां पर हर दिन लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए। सोचो, आपकी फेवरेट मिठाई की दुकान, अगर आप उस दुकान के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको उसके शेयर्स खरीदने होंगे। इसी तरह जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। हर शेयर की एक प्राइस होती है। यह प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। शेयर की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कंपनी का प्रदर्शन, बाजार की स्थिति और आर्थिक समाचार। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग उस कंपनी में कितना भरोसा करते हैं। अगर निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर आशावादी हैं, तो शेयर की कीमत बढ़ सकती है। वहीं अगर कंपनी के बारे में नकारात्मक खबरें आती हैं, तो शेयर की कीमत गिर सकती है। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी। कंपनी के अच्छे प्रदर्शन से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, जिससे शेयर की मांग बढ़ती है और कीमत भी। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना एक अच्छा तरीका है अपने पैसों को बढ़ाने का। अगर आप सही कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन यह रिस्की भी हो सकता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके प्रबंधन और बाजार की स्थिति का गहन अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने निवेश को विविधता देना चाहिए ताकि जोखिम कम हो सके। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनानी होगी। आपको यह तय करना होगा कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और आपका लक्ष्य क्या है। इसके अलावा आपको अपने निवेश को नियमित रूप से मॉनिटर करना होगा और समय समय पर अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए धैर्य, समझदारी और सही जानकारी की जरूरत होती है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जो आपको अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने का मौका देता है। सबसे बड़ा फायदा है आपके पैसों का तेजी से बढ़ना। शेयर बाजार में सही निवेश करने से आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश किया है और वह कंपनी सफल हो जाती है तो आपके निवेश का मूल्य बहुत अधिक बढ़ सकता है। दूसरा फायदा है कंपनी का मालिक बनने का मौका। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ये पौनी कब होगी गें, तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और कंपनी के निर्णयों में भी आपकी भूमिका होती है। आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलती है। यह हिस्सेदारी आपको डिविडेंड के रूप में मिल सकती है, जो कि कंपनी के लाभ का एक हिस्सा होता है। तीसरा फायदा है इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपके पास कई विकल्प होते हैं। आप अपनी पसंद और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप विभिन्न सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस आदि में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शेयर बाजार में रिस्क भी होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको इसके जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। आपका पैसा डूब भी सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें। हमेशा अपने निवेश को विविधता दें और एक ही जगह पर सारा पैसा न लगाएं। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार आपकी मदद कर सकता है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता का मूल्यांकन करें। एक अच्छी योजना और सही जानकारी के साथ आप शेयर बाजार में सफल निवेश कर सकते हैं।
सही रणनीति और धैर्य के साथ शेयर बाजार में निवेश आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। तो आज ही अपने निवेश की यात्रा शुरू करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। तेता बकद्य है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप अपनी पसंद और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई लोगों के पैसे के साथ मिलाकर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यह एक सेफ तरीका है क्योंकि आपका पैसा एक ही जगह पर नहीं लगा होता। साईपी, धीरे धीरे निवेश का तरीका। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इक्विटी कंपनी में हिस्सेदारी। इक्विटी, ओनिंग अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलती है, इसे इक्विटी कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, एक दिन का खेल। इंट्राडे ट्रेडिंग, अ डेज गेम। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। यह एक रिस्की तरीका है क्योंकि इसमें आपको शेयर बाजार की चाल का सही अंदाजा होना चाहिए। ये टाइप है फ्यूचर्स और ऑप्शंस, जोखिम भरा खेल। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, अ रिस्की गेम। फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह ही हैं, लेकिन इसमें आप फ्यूचर में किसी डेट पर शेयर्स खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। यह बहुत ही रिस्की तरीका है। मुनाफा कमाने के तरीके, हाउ टू बुक प्रॉफिट। शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सही समय पर शेयर्स खरीदना और बेचना होता है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपको अधिकतम मुनाफा दिला सकता है। जब आपको लगे कि आपके शेयर की प्राइस ब्रेक ही गई है तो आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन लालच न करें। लालच में आकर अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश में आप नुकसान भी उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शेयर की प्राइस और नहीं बढ़ेगी तो उसे बेच देना ही बेहतर है। यह निर्णय लेना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपके मुनाफे को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य और संयम से ही आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सोच समझकर और सही जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें। एक अच्छी रणनीति और धैर्य से ही आप शेयर बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। कंक्लूजन, अ न्यू बिगिनिंग। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसा जरिया है जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही जानकारी और धैर्य की जरूरत है। याद रखें, इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें, किसी एक्सपर्ट से सलाह लें और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। तो देर किस बात की, आज ही शेयर बाजार में कदम रखें और अपने सपनों को नई उड़ान दें।